कर लेते हैं पाकिस्तान की। भूखमरे हो चुके पाकिस्तान की बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पायलट खुद ही प्लेन की विंडशील्ड साफ करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कैब ड्राइवर अपनी कारों का शीशा खुद साफ करता है, कपड़ा मारता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पाक एयरलाइंस की कंगाली की तस्वीर बताती है, जहाँ पायलट जो है खुद ही विंडशील्ड को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास अब इतने पैसे नहीं बचे है कि वो एयरलाइंस में तेल भी डलवा सके। और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए जिम्मेदारी जो है पायलट के कंधे पर सौंप दी गई है कि पायलट ही अब एयरप्लेन की जो है सफाई करेगा और विंडशील्ड को देखिए साफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो पायलट ही सफाई कर रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों तक को पैसे देने के लिए इनके पास जो है बजट नहीं है। और यही वजह है कि जिम्मेदारी है अब पायलट के हाथ में ही सौंप दी गई है। तो ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त कैसी है, किस कदर बनी हुई है। तो पाकिस्तान कंगाल होता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर ये तस्वीर बयां कर रही है कि बदहाल पाकिस्तान हो चुका है, क्योंकि पायलट के कंधों पर अब प्लेन की सफाई करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और विंडशील्ड करते हुए साफ करते हुए पायलट की ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि पाकिस्तान के खस्ता हाल की एक तस्वीर नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की क्या स्थिति है ये पहले आटा दाल और तमाम चीजों की लूट के जरिए उन तस्वीरों से हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक नया मॉल बना और इस मॉल को इस बड़े उद्योगपति ने बनाया और उम्मीद ये थी कि लोगों को छूट दी जाएगी तो लोग ज्यादा शॉपिंग कर सकेंगे, लोगों को मदद मिल सकेगी। लेकिन उस उद्योगपति को क्या पता था कि लोगों में इस कदर भुखमरी है कि मॉल में ही लूट मच जाएगी। रिपोर्ट देखिए। दुकान खोलनी हो, मॉल खोलना हो, कपड़ों का बिजनेस करना हो या कोई और कारोबार, कहीं भी कर लेना, बस पाकिस्तान में मत करना। क्यों? ये तस्वीर देखकर पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर बता देते हैं कि ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, ना ये कोई रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए आया है बल्कि लूटने आया है। हाँ, उसी पाकिस्तान को जो लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, कंगाल है, बेहाल है, फिर भी देखिए ये हाल है। पाकिस्तान को अपनी तुलना भारत से करनी है। पाकिस्तान जो आटे दाल का मोहताज है, पाकिस्तान में लोग इस कदर तरस रहे हैं कि एक नए खुले मॉल को भीड़ ने लूट लिया। भीड़ ने सिर्फ दुकानों को नहीं लूटा, जो हाथ में आया कपड़े राशन पाकिस्तानियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान व्यापार के लिहाज से दुनिया के सबसे खराब देशों में से एक है। ये एक ऐसा देश है जहां कोई भी निवेश सुरक्षित नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण दुनिया ने देखा, कैसे वो भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के कराची में ड्रीम बाजार नाम का ये एक नया मॉल खुला है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। विदेश में रहने वाले पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दिए और इस शॉपिंग मॉल की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई। उद्घाटन में ऑफर देकर भीड़ ने मॉल को ही लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कराची के अंदर एक नए मॉल की ओपनिंग थी, पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, हजारों की तादाद में वहां आदमी जमा हुए, उन सब ने उस ओपनिंग को ठीक से होने भी नहीं दिया, प्रॉपर्टी डैमेज की, माल लूटा, वहां पर लड़कियों को छेड़ा, लड़कियों को क्या, वहां पर लड़कों को भी नहीं बख्शा, लड़कों को भी छेड़ा, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी को डैमेज किया और जितनी वहां पर चीज़ें आइटम्स मौजूद थी, जितनी वहां पर दुकानें मौजूद थी, उन सब में से बहुत सी चीज़ें चुरा ली। कहां तो कारोबारी ने सोचा होगा कि पाकिस्तान में मॉल खोलेंगे तो अच्छी कमाई होगी, लोगों को कुछ नया देखने को मिल जाएगा। लेकिन जनाब ये पाकिस्तान है जिसकी पहचान लूट चोरी चकारी बन चुकी है, ये कहना पाकिस्तान की आवाम का ही है। क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आजाद हैं, अब ये जगह जगह पे लोगों को लूट लेते हैं, जगह जगह देखो वहां से चीजें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। मैडम ये बड़ी बहुत बड़ी बिस्ती हमारे लिए, ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। हाँ। अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। मॉल के उद्घाटन के दिन लोगों को बुलाने के लिए बड़े बड़े ऑफर्स दिए गए,
ऐसे में बड़ी संख्या में लोग कम पैसों में सामानों को खरीदने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। हजारों लोगों की भीड़ को बढ़ता देख मॉल के सुरक्षा कर्मचारियों ने दरवाजे को बंद कर दिया। इस पर बाहर खड़ी भीड़ उग्र हो गई, लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया। भीड़ ने मॉल की कांच की दीवारों को तोड़ दिया, सुरक्षा कर्मचारियों से हाथापाई भी की। इसके बाद जिसके हाथ जो लगा वो उसे उठाकर बाहर भाग गया। ये तस्वीर फिर साबित करती है कि पाकिस्तान का सब कुछ लुट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राज्यों में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। अब आपको तेलंगाना के खम्मम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर बारिश से बुरा हाल है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लोग बचने के लिए एक जगह पर आकर इकट्ठे हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। ये हम तेलंगाना के खम्मम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि अरब सागर में 1976 के बाद अब चक्रवाती तूफान असना का जो खतरा है वो भी बढ़ने लगा। इसलिए अलग अलग राज्यों में, भले ही गुजरात ले लें, चाहे राजस्थान ले लें, लेकिन चाहे तेलंगाना ले ले, यूपी ले ले, हर जगह बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। पहाड़ से लेकर मैदान तक के इलाके इसी तरीके की स्थितियों से ग्रसित हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से पानी का कहर देखा जा रहा है। लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त वहां पर नजर आ रहा है। सड़कों पर जलभराव है, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए जहां तक नजर दौड़ाएंगे सिर्फ पानी ही पानी यहां पर नजर आएगा। ये देखिए, और बहाव आप देखिए कि कितना तेज बहाव है यहां पर। किसी को भी डराने के लिए ये बहाव काफी है। ये देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, बहाव इतना तेज है कि अगर कोई यहां पर फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए देखिए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें वहां पर तैनात की गई हैं कि अगर वहां पर कोई भी इस तरीके की आपदा आती है तो उससे निपटा जा सके। देखिए जरा ज्यादा फर्क नहीं है सड़क में और इस पानी के बहाव में, अगर थोड़ा और ऊपर ये बहाव आता है तो इस सड़क को भी घेर लेगा। तस्वीरें आपके सामने तेलंगाना के खम्मम की, जहां पर इस तरीके की स्थिति हो रही है। लोग परेशान है, कहीं कहीं घुटनों से ऊपर पानी है और कहीं कहीं कमर से ऊपर पानी है। इसलिए वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको तैनात किया गया है, ताकि आपको बता दें कि कुछ भी इस तरीके की स्थिति बनती है, इमरजेंसी की स्थिति होती है, तो जो वहां लोग हैं उनको बचाया जा सके। सड़कों का हाल देखिए, किस तरीके से लोग बचने के लिए सड़कों पे जा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां वो सेफ अपने आप को महसूस कर सके, क्योंकि पानी है और पानी का बहाव जब तेज होता है, पानी का सैलाब जब आता है तो अपने आप अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। ये चार तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि हालात आखिर क्या है। राजस्थान गुजरात के बाद अब बारिश का कहर दक्षिण भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा खराब स्थिति इस वक्त आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में पानी की मनमानी लगातार जारी है, और मौसम विभाग का भी यह कहना है कि अभी आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों को